जहाँ पर जरूरत होती है वहां पर भी अगर हम ना बोले तो हम क्या करें? वो जरूरत सब अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं ना। तो तेरे को एक बात बता, ये तेरा कहना कि तुम जो ओपिनियन देते हो ओपिनियन, ये मैं समझा नहीं बात। मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये नहीं बोला कि कहां लगा तेरे को ऐसी चीज। अगर वहां पर वो हम सारे लोगों को बैठ के ये बोल सकते हो, तुम छोटे लोग वाली बात को तो मैंने बोला, सोचो उस वाली चीज। वहां पर अगर मैं खड़े होकर बोला, अगर तुम सामने वाले के ओपिनियन को, अपना ओपिनियन ओपिनियन और सामने वाले के पीओवी को तुम ये समझते हो कि गधा, कौन सी, तो मैं भी शायद उस चीज को जानना चाहता हूँ ना, कौन सी जगह तेरे को ऐसा लगा कि हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी। मुझे मल्टीपल, मैं ऐसे गिनवाता नहीं बात, मुझे मल्टीपल टाइम्स लगा। और मैंने ये बोला कि तुम ये करते हो, मैंने बोला मुझे ऐसा लगा क्योंकि ये मेरा पीओवी है। मैं समझना चाहता हूँ ना कौन सी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ तेरे को लगा यार अभिषेक तेरा बोलना ही नहीं बनता था, तू क्यों बोल गया ओपिनियन? बहुत सारी सिचुएशन बोलना, बता मेरे को, हमें पता नहीं बोला एक्चुअल में, जानना चाहता बोला या फिर जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा यार नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि वेयर यू थॉट कि दिस सिचुएशन अभिषेक आपके ओपिनियन वाज अननेसेसरी और आपने जाने उस चीजों में। मैं ना उस चीज का नहीं कि लिस्ट में गिनूं ये अंडे कितने आपके पास, कितने बच्चे हैं? दी वो एक ही वो पड़ा है जिसमें 10 अंडे थे, शायद 4 उसने बना के कल उसने बनाए थे, 6 होंगे मेरे हिसाब से। वो ऊपर जैट के कॉर्नर की साइड में जो उसमें सिर्फ 2 है, बस वही है। तो फिर बाकी कहाँ है? बस अंडे है ही नहीं। और कल न्यूज हुए थे अंडे, मेरे को नहीं पता। तूने कोई अंडा खाया था? इसके लिए बनाए थे एक और मेरे लिए भी एक। नहीं नहीं, एक दो ठीक है। हाँ तो भाई एक ही बनाया था, नहीं तो क्योंकि वो फिर अभी राइस के लिए चाहिए तो फिर सिर्फ 2 ही बाकी है। तो और नहीं, नहीं, मेरी बात सुनो, आज हम और एल्विस नहीं खाएंगे, जो 2 अंडे आप लोग खा लीजिए। मतलब हाँ यार, मैं बात वो बेबी का के अंडे अलग से रखे थे और उसके अंडे में से नहीं लिए हैं, तो अभी हम लोग वो राइस को फ्राई करें हिसाब से, इसलिए मैं राइस में चले गए। वो तो 4 यूज हुए थे ना, आपने दिए थे, आपके हिस्से से दिए थे, मुझे याद है। वो वही मेरे लास्ट बचे थे, तो वही कैलकुलेशन नहीं हो रहा है क्योंकि वी कांट फाइंड एनी मोर, देयर ओनली 2 लेफ्ट। तो उसको अभी क्या करें, मैं उसको बोलूं फिर वो अपने अलग से रखूं या फिर राइस में तो कम पड़ जाएगा? अगर उसको चाहिए तो हाँ, वो अलग से रखवा दो उसको। राइस में 2 अंडे का कुछ फायदा ही नहीं है, उसको बोलिए इसको खाना है तो अपना बाड़े बन क्यों रहा है। अब हम खिचड़ी नहीं बनाते? खिचड़ी भी है और प्लेन राइस पड़ा है ना। अच्छा, उसको एटलीस्ट यूज कर देते वरना फेंकना पड़ेगा यार। फ्राई कर रही हूं मैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। बैक टू कन्वर्सेशन, तो जो आप बात बोल रहे हो कौन सी सिचुएशन में जानना, एक्चुअल में कोई एक होगी ना जहाँ तेरे को लगा यार मैं ऐसी कन्वर्सेशन में पार्ट नहीं लेता, जहाँ लिसनर ना हो कोई या फिर कोई समझने को रेडी ना हो या फिर सिर्फ अपने बोलता हूँ, इसलिए मैं कम बोलता हूँ। मतलब मैं ऐसा हूँ, ऐसे अब तुम बोल, मैं सुनना चाहता हूँ, मैंने सुन लिया एक बारी, सुन चुका हूँ मैं कि मैं सुनना चाहता हूँ, और मैंने उसका जवाब भी दिया कि मैं रियल लाइफ में भी पॉइंट्स काउंट नहीं करता, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। मतलब मेरी आदत नहीं ये करो वो करो वो करो, मैं बस ऑन जनरल अपना पीओवी शेयर करता हूँ, और वो भी मैं ऐसे नहीं बोलता कि तुमने ये करा, मैं बोलता हूँ मुझे ऐसा लगता है, और वहाँ भी मैंने ऐसे बोला मुझे ऐसा लगा, ना कि मैंने इल्जाम लगाए तुम पे, ऐसे ही हुआ। चाहे तुम कोई हो गया ये हो गया, और रही उसकी कि भाई मुझे तू सबसे बड़ा गधा लगता है ये है वो जो, अब मान ले सेम चीज़ जैसे भाईचारे में तूने मेरे को बोल दी, अब मान लो मेरे से कोई दोस्ती यारी खत्म करके मुझे सेम चीज़ बोल के दिखाओ, समझ रहे हो ना, मैं एक अलग हूँ। अब मैंने तेरी चीज़ को इसको बड़ा लाइटली ले लिया कि भाई है, मान ले मेरे को गेम में सबसे बड़ा गधा लगता है, वो चीज़ अटक भी जाती मेरे की, अरे ऐसे कैसे बोल दी। तो मैं एक फ्रेंडशिप की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, समझ रहे हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये। अब जैसे बट मुझे ऐसा लगता है, मैं जेन्युइन बोलता हूँ, अगर आप फ्रेंडशिप की रिस्पेक्ट करते हो तो व्हेन यू शेयर योर ओपिनियंस अबाउट समवन हू इज क्लोज टू यू, तो मेक श्योर आप वहाँ शेयर करो जहाँ अपने लोग, समझ रहे हो। यहाँ पे कोई वो नहीं है, मैं उनको बिल्कुल अपना नहीं मानता, मैं घर से पीओवी बोलेगा तुम्हारे लिए नहीं, मैं सबके लिए शेयर कर रहा हूं। नहीं नहीं, तूने वहाँ पर स्पेशल बोला कि मैं इसके लिए बोल, उसके लिए नहीं, जब तू आया उससे पहले भी हमारी कुछ और बात चल रही थी, फिर मैं मेरे भी दिमाग में कई चीजें चलती है। मान लो मैंने सोचा कि यार, मान लो मुझे बुरा लगा किसी चीज का, मैं अपने दिमाग में मैंने चीज सोची, फिर मैंने उसको एनालाइज करा कि इसने मान लो ऐसा बोला, चलो एक भाईचारा भी मैं वो रखता हूँ कि इसने ऐसा बोला, भाईचारे में तो मुझे बुरा लग गया कि मान लो इसने बोला यहाँ पे कि मैं वाइल्ड कार्ड को वर्दी नहीं समझता, उसने वहाँ भी बोला 3 बारी कि नहीं समझता, मैं दिल से समझ नहीं पाऊंगा, मैं दिल से मान नहीं पाऊंगा, इसने अपना पीओवी शेयर करा, तो वो चीज भाईचारे में बुरी लग गई। गेम के सेंस में मैंने सोचा, समझ रहे हो इस बात को, कि भाई वो तो यार लग गई बुरी भाईचारे में, गेम सेंस में मैंने इतने दिन से मैं एनालाइज किया कि इसने बोली इसका अर्थ क्या है, कैसे सोची इसने, क्यों सोची, क्या वाइल्ड गार्ड ने क्या करा क्या नहीं करा, 4 हफ्ते ये सीन है तो क्या इसको
और इसने ऐसा क्यों सोचा, ये मैंने गेम सेंस से सोचा। वैसे मुझे समझ नहीं आता है, बट मैंने उसका एनालाइज किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल गई। उसमें एक वो वाली चीज़ भी ऐड करूँगा आपकी, हीरो के दोस्त वाली भी, भाईचारे में सोची जाए तो बुरी है मेरे दिल के लिए। गेम सेंस के लिए सोची जाए तो मैं उसमें अपना पीओवी शेयर कर सकता हूँ एक बारी को अवॉइड करके। तो उसमें बहुत एनालिसिस करा मैंने, काफ़ी दिन से नोटिस करा। फिर मैंने सोची कि इसने रीज़न दिया कि मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि इसकी जर्नी छोटी है। ये बीच में आया और मैं 4 हफ्ते से पहले से हूँ। फिर मैंने सोची कि चलो 4 हफ्ते का इसका, इसने बोला मुझे एडवांटेज है कि भाई 4 हफ्ते इसलिए मैं वर्दी हूँ। फिर मैंने सोचा कि इसने, जब मैं आया 4 हफ्ते, मैं भी, मेरा भी तो 4 हफ्ते ही है, इसने 4 हफ्ते में ऐसा कुछ, क्योंकि घर जब स्टेग्नेंट था, सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, तभी आया मैं, कि 4 हफ्ते में इसने कुछ अलग किया जो पूरा ही ओवरऑल ये बेटर बन गया।